तुर्कानी चहलगानी का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, तुर्क में से कोई भी नहीं या फिर एक से अधिक। आप लोगों ने तुर्कानी चहलगानी का नाम सुना होगा, तुर्कानी चहलगानी क्या था। आप लोगों ने किसके साथ साथ एक और चीज सुना होगा जिसे हम लोग बोलते हैं इकता व्यवस्था, है ना। इकता व्यवस्था भी था। नोट कर लीजिएगा कि तुर्कानी चहलगानी जो था इसमें 40 सरदार हुआ करते थे। 40 सरदारों का समूह था जो कि हमेशा बादशाह के साथ रहा करता था, उसको सजेस्ट वगैरह किया करता था, है ना। जिसे हम क्या अभी हम जैसे आप देखते हैं इकता व्यवस्था। इकता व्यवस्था क्या था? इकते जैसे आज के जमीन का एक टुकड़ा है जो इसको हम भाग बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट बोलते, उसको बांट लेंगे डिस्ट्रिक्ट में, तो एक टुकड़ा है। उसी तरह से उसका जो मालिक होता है आज के टाइम, उसको हम डीएम बोलते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में। उस समय क्या होता था, उसको हम इकतेदार बोलते थे, है ना। नॉट द सेम बट नॉट द सेम, तो उसे इकतेदार बोलते थे। तो इसको 40 भागों में बांट दिया जाता था। जैसे आज हम लोग देखते हैं ना, सपोज कीजिए एक जमीन का एक टुकड़ा है, एक और हिस्सा है, इसको ऐसा करके 40 भागों में बांट दिया, है ना, डिफरेंट टाइप में। और हर एक हिस्से का ये इसको बोलते हैं एकता, ये एकता है, ठीक है। एकता इसका जो हेड होता है इसको बोलते हैं इकतेदार। अगर हम बात बात करें बिहार में, तो बिहार में कितने टोटल 38 जिले हैं, है ना। तो हर एक जिले का एक हेड होता है जिसे हम जिला अधिकारी बोलते हैं। तो हम ये नहीं बोल रहे कि दोनों सेम है, ठीक है। तो इसी तरह से जो एकता होता था इस जमीन के टुकड़े का, इस पार्ट का, इसका जो एकता का जो हेड होता था उसे हम बोलते थे, क्या बोलते थे, इकतेदार, है ना। इसी को बोलते थे इकतेदारी व्यवस्था, जो कि शुरू की गई थी किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। इसमें भूमि के भाग को 40 भागों में बांटते थे और हर एक भाग का हर एक एकता का जो टुकड़ा था ना उसका एक इकतेदार होता था, हेड होता था। और आपको बता दें इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन था, ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं इक्तदारी व्यवस्था। इक्तदारी व्यवस्था किसमें थी, ये दिल्ली सल्तनत में था, है ना। दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ रहे हैं इक्तदारी व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत। ये कब तक चला, 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलता है, जिसमें इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया जाता है इक्तेदारी व्यवस्था। यही इक्तेदारी व्यवस्था सेम न्यू अपग्रेडेड वर्जन था अकबर के समय में, जिसे हम बोलते थे मनसबदारी व्यवस्था, जो कि सैनिकों के लिए किया जाता था, है ना। मनसब मनसब व्यवस्था जिसे हम बोलते थे मनसबदारी। हर एक मनसब का एक हेड होता था जिसे हम लोग बोलते थे मनसबदार। और ये किया गया था किसके समय में, अकबर के समय में, है ना। ये अकबर के समय था, मतलब ये मुगल शासन के टाइम में हुआ करता था, मुगल शासन। और वो जो था वो दिल्ली सल्तनत के टाइम में हुआ करता था, ठीक है। इसी समय में जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था, 40 सरदारों के समूह को बोलते थे तुर्काने चहलगानी, है ना। तो आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इक्तदारी व्यवस्था क्या थी। उसी का अपग्रेडेड वर्जन था मनसबदारी व्यवस्था, जो कि अकबर ने शुरू किया था, है ना। खासकर ये मिलिट्री के लिए था, सेनाओं के लिए किया था इन्होंने, सेना के लिए किया था। और ये मुगल में था और इक्तदारी व्यवस्था दिल्ली सल्तनत में था। 40 सरदारों के समूह को हम लोग तुर्काने चहलगानी बोलते थे, जो बादशाह की सहायता के साथ हमेशा रहा करता था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आगे।